उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा का पेपर लीक को लेकर भारी बवाल को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी घोषणा भी की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 महीने के भीतर ही पूर्ण रूप के साथ इस परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाएगा। सीएम ने परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की सुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। परीक्षा की गोपनीयता को भंग करने वाले एसटीएफ के रडार पर हैं। इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए जानकारी देते हुए कहा है कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने आगामी 6 महीने के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि परीक्षा के बाद से परीक्षार्थी लगातार पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद इस मुद्दे को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उठाया था। मामला गरमाने के बाद भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी जाँच के लिए अंतरिम कमेटी भी बनाई गई थी और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि 17-18 फरवरी को पेपर किया गया था, जिसके बाद से लगातार इसके लीक होने की जानकारियां आ रही थी।